हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम कुकरी क्लासेस। आज हम बनाने वाले हैं कोकोनट बर्फ़ी, या आप इसे नारियल पाक या नारियल बर्फ़ी भी बोल सकते हैं। आज हम बनाएंगे खास ये बर्फ़ी जन्माष्टमी के लिए, जिससे आप कृष्ण जी का भोग लगाने के लिए बना सकते हैं, या वैसे ही खाने के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आज ये बर्फ़ी हम बनाएंगे बिना घी के। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए हम सिर्फ 2 इन्ग्रीडियंट्स का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। यहाँ हमने लिया है ड्राई कोकोनट, ये हमने सूखा नारियल लिया है, जो घर में साबुत सूखा नारियल होता है उसको हमने ग्रेट कर लिया है, और थोड़ा सा हमने इसको मिक्सी में क्रश भी कर लिया है। मैंने यह नारियल को बिना छीले ही ग्रेट किया है, अगर आप चाहें तो आप इसे छील के भी ग्रेट कर सकते हैं। यहाँ हमारी कढ़ाई जो है गर्म हो गई है, अब हम अपना नारियल जो है थोड़ा सा इसमें भून लेंगे। यहाँ हमने इसको मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा भून लिया है। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा 2-3 मिनट ही भूनना है। यहाँ अब हम अपनी गैस जो है बंद कर देंगे और इसको नारियल को एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ हमने लिया है चीनी और पानी, जिसको हमने मिक्स करके बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब हम अपनी चाशनी तैयार करेंगे बर्फ़ी के लिए। इसके लिए जो हमें चाशनी चाहिए, वो हमें चाहिए 2 तार की चाशनी। तो इसको हम अब अच्छे से पका लेंगे। यहाँ हमारी चाशनी को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं, ये काफ़ी थिक भी हो गई है। ये देखिए, अब हम इसको स्पून पे लेके एक बार चेक कर लेंगे इस तरीके से। जो हमारी लास्ट ड्रॉप निकलेगी इसमें से, उसमें से एक तार बनता हुआ नज़र आएगा हमें, तो इसका मतलब हमारी चाशनी बर्फ़ी के लिए तैयार हो गई है। हमें इसके लिए 1.5 से 2 तार की चाशनी चाहिए। ये देखिए, इसमें से तार निकल रहा है। जब लास्ट ड्रॉप हमारी गिरेगी तो इसमें से तार बनता हुआ, तो इसका मतलब हमारी चाशनी अब तैयार हो गई है। या आप चाहें तो आप इसको फिंगर पे लेके इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें तार बनने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें अपना नारियल जो है वो भी डाल देंगे, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट इसी के अंदर पका लेंगे, भून लेंगे इसमें। यहाँ हमने इसको 2 मिनट और पका लिया है चाशनी में डालने के बाद। हम अपनी गैस जो है बंद कर देंगे। ये देखिए, जमने की कंसिस्टेंसी में हो गई है। यहाँ मैं इसको घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी, ताकि जब हम अपनी बर्फ़ी इसमें सेट करने के लिए डालें तो वो अच्छे से सेट हो जाए और निकालने में इजी हो। आप चाहें तो आप इसकी जगह कोई प्लेट भी ले सकते हैं, उसको भी घी से ग्रीस करके अपनी बर्फ़ी उसमें भी सेट करने के लिए रख सकते हैं। अब हम ये बर्फ़ी का मिक्सचर इसके अंदर डाल के और उसको 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, सेट होने के लिए, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। मैं यहाँ इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ, ताकि ये बाद में ईजिली निकल जाए, क्योंकि बाद में अगर ये पूरी अच्छे से सेट हो जाएगी तो ये इसको कट करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए हम पहले ही इसको सेमी सेट में ही कट कर लेंगे। यहाँ हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसके पीसेस जो हैं वो निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, कितने बढ़िया हमारे बर्फ़ी के पीसेस निकल गए हैं। इसी तरीके से हम सारे पीसेस जो हैं बर्फ़ी के निकाल लेंगे। यहाँ हमारी नारियल की बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है, हमने इन्हें सर्व कर लिया है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।